वाओ कितना सुंदर कलर लग रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है मेरा बर्थडे व्लॉग। तो पिछले एक दो वीडियो तो किया ही मैंने बर्थडे व्लॉग, बट ऑनेस्टली बताओ तो मेरे को कभी भी ना अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं रही है। आज भी नहीं है, बट आज एटलीस्ट खुशी है ना। तो हर बार ना खुशी होती है ना एक्साइटमेंट होता है। अब पिछला मेरा जो बर्थडे था वो तो मेरा ऑपरेशन हुआ था कान का, तो उसी में चला गया बहुत ही एकदम मुझे शांत शांत चुप चुप रह के। और आज का व्लॉग मैंने सोचा कि कर लेते हैं, मतलब चालू कर लेते हैं, जो भी होगा सारा रिकॉर्ड करेंगे और एक मस्त वाला व्लॉग बना के आपके साथ में पेश करूँगी। नाव मैं बहुत ज़्यादा थक तो गई हूँ और आपको जो ये लटे मेरी दिख रही है क्योंकि मैंने अपने बालों को कट कर लिया है, सो इसलिए आपको मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं। तो मैंने कटिंग किया था और ना मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी मैंने अपने बर्थडे का कोई ड्रेस भी नहीं खरीदा है। पहले तो मेरे को उतना एक्साइटमेंट नहीं था, पर देखो मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है, तो मैं सोच रही कि मैं आज ही अपने लिए कोई बर्थडे ड्रेस जाके खरीद के आऊँ। तो अब वेस्टर्न लूँगी या इंडियन लूँगी वो नहीं पता, बट सोच तो रही। और सुबह सुबह इतने सारे लोगों के विशेस और मज़ा आ गया मेरे को, तो बाहर गए थे तो अभी ना मेरी नींद हुई नहीं है। तो अब देखते हैं क्या मैं करूँगी एग्जैक्ट पहला। पर डोसा खाकर तो आ गई हूँ, तो मेरा एक मील तो हो गया कि मतलब ब्रेकफास्ट मेरा अच्छे से बहुत स्ट्रांग हो गया है। नाउ अभी देखते हैं जो भी दिन भर में होगा मैं रिकॉर्ड करूँगी और फिर शेयर करूँगी। फिलहाल आँखों में बहुत ज़्यादा नींद है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किस चीज़ के लिए हूँ, अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, बट मैं बिग बॉस के विनर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, कभी मुझे एल्विश अच्छा लगता है, कभी अभिषेक और कभी मनीषा, बट राइट नाउ मैं फोकस कर रही हूँ अभिषेक और मनीषा। ये दोनों ही, कोई इन दोनों में से विनर हो जाए चल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो अभी देखते हैं, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तो पता नहीं कौन विनर होगा, बट या चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। बहुत ही अच्छी नींद लेने के बाद अभी ना मैं एक्चुअली बिग बॉस का थोड़ा सा कल का सीज़न देख रही थी, जो लाइव मैंने थोड़ा थोड़ा एंड एंड का ही देखा था, पर अब वो नहीं देख रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ रियाज के यहाँ पे, तो सोच रही हूँ अम्मी बना रहे हैं मेरे लिए केक, तो मैं सिर्फ देख लूँ तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, फटाफट से रेडी होती हूँ, रेडी मतलब यही पहनूंगी एंड फिर जाएंगे वहाँ और देखते हैं क्या बना रहे हैं अम्मी। Oh my God. कितना ऊंचा केक है। So guys, यहाँ पे मेरे केक की प्रोसीजर चल रही है। Oh my God. अल्लाह 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 अल्लाह। बच गया क्या? बच गया। कुछ नहीं, मेरा ड्रेस उसमें चला गया था। वाओ कितना सुंदर कलर लग रही है। ये घर का बना हुआ है इसमें। सही लग रहा है ना, मतलब जो शाइन चाहिए वो है। इसके ऊपर वो मत बनाना। क्या? नहीं, वो कुछ तो ही बनाएंगे ना। ये हमारी इडली जो हमने हैदराबाद से लाया है, आई एम सॉरी हैदराबाद से नहीं लाया, हैदराबाद से इडली का साँचा लाया है, मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और ये रियाज ने बनाया है डोसे, लाइक इट। रियाज तो बहुत अच्छे शेफ है, शेफ नहीं ये कुक है। एंड ये मेरी इडली। तो अभी हम लोग का ना जाने का प्लान चल रहा है कहीं बाहर। तो ऑनेस्टली आज पूरा दिन मैंने सोने में निकाल दिया क्योंकि कल बहुत थक गई थी ना। द आर्टिस्ट एंड द आर्ट। वे वो नहीं निकलेगा, पता है क्यों? क्योंकि तुमने गर्म ही तो नहीं होने दिए। ये रहा आर्ट। मोटा हो गया ना, बना मोटा वो तो। नहीं डालने क्यों, डायरेक्ट कैसे करूं? इन्हें तो पहले तेल डाले थे, वो चिपक रहा है उस पे। चिपक गया तो मेरा बिगड़ जाएगा, फिर बोलेंगे। ठीक है, फास्ट कम करो। कम में रहने ना, कम में डालना। अपने हाथ में लेके मिला के डाल दो ना। डाल दो? हाँ डालो, और ऐसा ऐसा तवा घुमा। ठीक है भैया, ठीक है ये मैं बना रही हूँ। देखना कितना बीच में डालूंगा भैया, तो पतला बनाना मेरे को। बस तवा घुमा। हाँ ठीक है ठीक है, घुमा। मैं कैसे लग रहा है, मैं तवा से बिगाड़ दूंगी। अरे नहीं, इससे बिगड़ेगा, एकदम पतला बनाना है। बस बस सत्यास कर दी तूने। अरे रुको ना, बनाऊंगी मेरे को, क्या सुंदर बनेगा, निकलेगा एक नंबर।
इसको दिखो। अल्लाह यार ये तो फंस गया। फिर से बनाओ वीडियो, गलत करो उसको, दूसरा बना। आज जैसा मैंने बताया वैसा बनाऊंगा। अल्लाह रियाज क्या, तुमको सही में कुछ नहीं आ रहा, तुमने बीच बीच में क्या ना खराब कर दिया। अच्छा बना तुझे, वाओ लोग वाओ। तो फायदा क्यों रही दोस्तों के, दोनों साथ तुमने देखते हैं। हाँ तुमने तो सीखे, मोटा कितना है वो, मैंने तो तुम्हें को ऐसी पतला बनाना था। वाओ ये सही है, अमेजिंग अमेजिंग। अल ऐसे तवा घुमा दो, फालतू भी बन गया ये अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है मैंने पर मैंने तो अम्मी ने जैसे बोले वैसे ही फॉलो की, ये तो चिपक गया अम्मी, वो जल रहा मेरे को ऐसा फील हो रहा। तो कम करो ना थोड़ा सा, ऐसा आप कम कर दो ना, अच्छा निकाल के देना, इज्जत का सवाल है मेरा। लो खाओ सीरिंग, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया। वाओ 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 खाने से पहले पूरी तो मेहनत अम्मी की है। ले सीरिंग हो गया ना अभी, ये परफेक्ट डोसा था और वो पेपर डोसा है, ये बन गया, मजा आ गया। खोलो खोलो अमेजिंग वीडियो में कितना अच्छा लग रहा। क्या करना है वो ना? मेरे पास कपड़े तो नहीं है। क्या पिस्ता वाला पहन लेते, पिस्ता वो हर बार में वही ड्रेस पहनती, वो पिस्ता ईद वाला तो बेकार, अब हर बार नहीं पहनूंगी मैं उसको, अलग सी है एक तो मेरे को बर्थडे ड्रेस भी लेके दूँ। तुमको पहनना है वही पहन लेना, मेरे पास है नहीं ना कपड़े। अरे तो भी बोल रहे थे ना है, कहाँ है। हाँ अम्मी जब भी कुछ बोल रहे थे मैंने सुना ही नहीं। ओके गाइस तो मैं अभी घर आ गई हूँ क्योंकि मैं अभी जाऊँगी रियाज के साथ में ड्रेस लेने, क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो मैं और मैंने ना पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं किया, तो अभी हमको फटाफट से तैयार होना है। तो मैं पहले थोड़ा सा बेस करके जाती हूँ ताकि मैं वहाँ पे शॉप पे ही चेंज कर लूँगी। एंड या ऐसे ही मैं थक गई हूँ बहुत ज़ोर से, अब मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, ठीक है। मैं फट से जाके 5 मिनट में तैयार होने जा रही हूँ। 5 मिनट बोल के 15 मिनट में तैयार होके मैं फटाफट से गई रियाज के साथ में मेरा ये ड्रेस लेने, क्योंकि ना मेरे पास तो कपड़े थे ही नहीं, मैंने बताया कुछ पहनना था मुझे नया, तो फिर मैंने ले लिया। और ये एक्सेल साइजेस में पिनअप वगैरह करके मैंने समय पे कैसे जैसे तैसे ना एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोग गए डिनर करने और ये अंबिका करके था और आई गेस ये कहाँ है यार, बस स्टैंड की तरफ है, अब मुझे उतना कुछ पता नहीं। और ना ज़्यादा कुछ क्लिप्स यहाँ की मैंने क्लिक नहीं किया है क्योंकि और भी फैमिली मेम्बर्स थे एंड आई वॉज फीलिंग क्वाइट अनकम्फर्टेबल, अंडरस्टैंड तो हो ही जाओ, तो इसलिए बस जो तो थोड़ी बहुत क्लिप्स है यही है। बापरे कितना बहुत ही दमदार केक है एकदम। अच्छा जी तू बना रहे क्या? बेसिकली ये मेरा आउटफिट रहा, मम्मी ने तो बहुत नींद में है तो सो जाके, और ये मेरा आउटफिट था, ये मेरे टाइम पे बिल्कुल गई और ना डायरेक्ट उनको जाके बोला कि मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, और तुरंत ही आउटफिट लेकर तुरंत ही वहाँ पे तो ट्रायल भी नहीं था, मतलब ट्रायल रूम नहीं था क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू था। मैंने बोला जैसा भी है टूटा फूटा मुझे बस ट्रायल कर मतलब चेंज करने दो, एंड ये अच्छा खासा एक्सेल साइज़ है, काफ़ी ढीला है, बट उन्होंने मुझे यहाँ पे पिनअप वगैरह करके भी दे दिया था, मतलब लकीली मुझे पिन्स भी यहाँ पे दोनों साइड में लगा के दे दिया और मैंने ये आउटफिट पहन लिया। राइट नाउ अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो फिलहाल मैं बहुत नींद में हूँ, तो अब मैं सीधा कल मिलूँगी, ठीक है आज के लिए बाय। ओके तो पता नहीं क्यों फेस इतना डल लग रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ लाइटिंग, दिस इज़ नॉट द सेम डे। एक्चुअली मैं एकदम ना रिचुअल फॉलो कर रही हूँ, ऐसा फील होता है कि मैं
व्लॉग कंप्लीट ना करना, ये बिल्कुल मतलब मैंने फॉलो ही करना है। कोई व्लॉग मैं अच्छे से एंडिंग कर ही नहीं पाती हूँ। उस दिन इतना सब हो रहा था ना, तो मैं वो मोमेंट इन्जॉय कर रही थी। और फिर ऑफकोर्स मैं जैसे थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ कैमरा पकड़ने में, बट या फिर भी वो दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। भले ही वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई, बट वो मोमेंट बहुत अच्छा था। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट जो हुआ मेरी पूरी फैमिली के साथ में, तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। और ना केक वॉज बहुत बहुत ही टेस्टी था वो, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। तो आप लोगों ने तो वैसे देखा ही, तो अम्मी को ना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि हाँ अम्मी और केक बनाओ या फिर कोई रेसिपी। अम्मी एक्चुअली खाना बहुत टेस्टी बनाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी सीख जाऊँ उनसे खाना बनाना। तो नॉनवेज पकौड़े ये सब सारी चीज़ें बहुत टेस्टी टेस्टी बनाते हैं। तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि यार मैं कुछ दिनों से कम्प्लीटली ऐसे प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था मम्मी के बर्थडे का व्लॉग करूँगी वगैरह। आज भी वो व्लॉग है मेरे पास में, बट वो मैं डिस्कार्ड करने के प्लान में हूँ, क्योंकि ऐसे ही इसी तरीके से हो रहा था कि मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पा रही थी और कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत भी उस समय ख़राब थी। तो इसीलिए मैंने वो व्लॉग को डिस्कार्ड करने का डिसाइड किया है। तो वो व्लॉग मैं नहीं डालूंगी मम्मी के दिन वाला, बर्थडे के दिन वाला, बट ये व्लॉग तो ऑफ कोर्स जा रहा है। एंड हाँ, मैंने एक और एक चीज़ की, जिस दिन हम लोग डिनर पे गए थे ना पूरी फैमिली, तो उस दिन भी मैंने ज़्यादा कुछ, मतलब दिन नहीं वो मोमेंट मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। ऑफकोर्स वी आर हैविंग आर डिनर और बातचीत वगैरह चल रहा था, तो छोटे मोटे क्लिप्स जो है वही लगाए हैं। यार मैं इतनी जल्दी बड़ी होते जा रही हूँ, अभी फिर से दूसरा बर्थडे आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा था दिन और सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए, हर किसी ने मुझे विश किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबको कन्फ्यूजन था, तो कोई 14 तारीख को विश कर रहा है, कोई 15 तारीख को, इवन मैं 16 तारीख को भी लोगों के हैप्पी बर्थडे की रिप्लाई देती थी, क्योंकि मे बी हो सकता है स्टेटस या स्टोरी देखकर लोग थोड़ा लेट रिप्लाई करें, बट मैं तब भी इन्जॉय कर रही थी। मैंने अपना बर्थडे दो दो तीन तीन दिन बाद मनाया है, तो बहुत मज़ेदार था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड बताओ क्या ऐसे ही ब्लॉग कंटिन्यू करूं या नहीं, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे, पता नहीं ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, बट मैं ट्राई करूंगी। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।